नमस्कार मित्रों, सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में मैं सुशील कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियां चल रही हैं और सर्दियां इस समय इतनी ज्यादा चल रही है, लोगों को दिक्कत हो रही है। ऐसे में सर्दी लग जाने से कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है तथा कुछ ऐसा भी है कि अगर सर्दी हाथ पैरों में लगती है तो प्लूरिसी, निमोनिया, डिप्थीरिया इत्यादि रोग भी हो जाते हैं। तो कैसे हम बचें इन रोगों से सर्दी में, और कैसे जैसे पैर में बवाई फट गई और हाथ में भी फट जाती हैं, ओंठ भी फट जाते हैं, कभी कभी गालों में भी ये समस्या हो जाती है, सारी बातें बताएंगे। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बटन है बेल का उसको जरूर दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस ऑन हो जाएंगे। मित्रों, बढ़ते हैं आगे, जिसके लिए मैंने ये वीडियो का टॉपिक आज का चुना है, सर्दी। मित्रों, सर्दी हर साल आती है, कुछ लोग असावधानी वश अपने स्वास्थ्य को और अपने शरीर को और अपनी जान को भी जोखिम में डाल लेते हैं। अच्छा हो कि जहां का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता हो, वहां पर थोड़ा सावधानी की आवश्यकता होती है। और जैसे लोग दक्षिण भारत में रहते हैं या गर्म क्षेत्रों में रहते हैं, तो एकदम अगर वो यात्रा करते हैं पर्वतीय क्षेत्रों की, ठंडे क्षेत्रों की, तो उनको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। मित्रों, एक दवा आती है जेरी फोर्ट, कुछ लोग उसको गैरी फोर्ट भी कहते हैं। इस दवा में च्यवनप्राश भी मिला होता है और ये टेबलेट के रूप में आती है। तो सर्दी से बचने के लिए इस टेबलेट का सुबह शाम उपयोग अगर कर लिया जाए, सर्दी नहीं लगती, सर्दी से बचाव होता है। इसके अलावा ये शक्तिदायक भी है, क्योंकि इसमें च्यवनप्राश की मात्रा है, इस टेबलेट का सेवन जरूर करना चाहिए। दूसरी बात ये कि सर्दी से बचाने के लिए ऊनी कपड़ों का प्रयोग करना, भीतर इनर वियर इत्यादि का प्रयोग करना ठीक रहता है। और सर्दी से बचाव के लिए आपको मित्रों, कोई बात नहीं, लाइट चली गई है, लेकिन वीडियो में बनाऊंगा, कुछ ना दिखे कोई बात नहीं, आपको सुनाई तो देगा। लाइट चले जाने की वजह से मैं वीडियो नहीं रोक सकता। मित्रों, तो करना ये है आपको कि ऐसे में उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करें, और खास करके कि कान में और पैरों की सुरक्षा ज्यादा करें। पैरों में जूते मोजे ऐसे गर्म वस्त्र होने चाहिए, और कान में आपको कोई मफलर या कि जो कैप वगैरह आते हैं बचाने के लिए, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा अब दूसरी समस्या आती है कि लोगों को ये एड़ियां फटने लगती हैं, बवाइयां जाने लगती हैं, उसमें क्रैक्स हो जाते हैं। बड़ी बड़ी क्रीमें आती हैं मार्केट में, लोग खरीदते हैं उनको, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके द्वारा उनका रोग ठीक हो ही जाए। ऐसे में घरेलू नुस्खा आप कर लीजिएगा। घरेलू नुस्खा करने से आपको पैसे भी बचेंगे और लाभ भी मिलेगा। मधुमक्खी, जो शहद की मधुमक्खी होती है, आप लोग जानते हैं, तो शहद की मधुमक्खी को आप ले लीजिए, उसका जो मोम होता है निकलवा लीजिए। गांव देहातों में तो फ्री में मिल जाता है, बाजार में, मार्केट में भी सस्ते में मिल जाता है, वो ले आइए और उसको
सरसों के तेल में या लाही के तेल में आप मिला करके थोड़ा गर्म कर लीजिए किसी कटोरी में, बस ये वैसलीन की तरह बन जाएगा। इसको आप अप्लाई कर सकते हैं अपने एड़ियों पर, अपने हाथों पर, अपने चेहरे पर। ये आपकी त्वचा को मुलायम बनाता है और फटने से रोकता है, और फटे हुई एड़ियों का, बवाइयों का इलाज भी ये करता है। तो इसको शुरू कर दें, जिससे एड़ियों से कहीं कहीं खून भी निकलने लगता है वो भी सब ठीक हो जाएगा। ओंठों में लगाएं। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपके शरीर में ओंठ फट रहे हैं, गाल फट रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में आप सरसों के तेल को अपनी नाभि में लगाएं। नाभि में लगाने से 3-4 दिन लगाएंगे तो ये आपकी जो ओंठ हैं और गालों में जो क्रैक्स बनने लगते हैं सर्दी की वजह से, वो भी दूर हो जाएंगे, और आप इसकी वजह से जो कष्ट भोग रहे हैं उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। मित्रों, इसके अलावा एक बात और कहनी है कि सर्दी से बचाव के लिए सर्दी के टाइम में आपको बादाम का सेवन करना चाहिए। बादाम अगर 1, 2 या 3 बादाम रोज लेते रहते हैं तो आपको सर्दी में बचाव होता है, और सर्दी के द्वारा, जैसे अब सर्दी लगती है तो सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि लोगों को या तो डिसेंट्री हो जाती है, यानी लेटिन आने लगती है, आँव हो जाती है, या नजला जुकाम हो जाता है। इन चीजों को अगर होते देखें तो तुरंत इनका इलाज करवाऊं, यानी डिसेंट्री आ रही है तो उसका इलाज करवाऊं, अन्यथा ये जो आपको डिसेंट्री होगी ये पेट में दर्द करेगा, सर्दी लग जाएगी और इससे लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। उससे बचने के लिए जैसे ही इसके लक्षण प्रकट हों आपको इसका इलाज करवा लेना चाहिए, और ऐसे समय में जबकि ये सर्दी लगे तो आप कुकरौंधा का, मैंने एक वीडियो दिया है, तो कुकरौंधा को छाती पर मलें, मस्तक पर मलें, गले के पीछे आगे मलें, जिससे सर्दी समाप्त हो जाती है। थोड़ा सेक भी देना चाहिए बाद में। सर्दी लगने पर एक उपाय और बताता हूँ, अजवाइन को थोड़ा सा आग में डाल दें और उसके धुएं का सेक ले सकते हैं आप। इसके अलावा अगर गले में और छाती में कफ फंस गया हो, ज्यादा मात्रा में फंस गया हो, दिक्कत हो रही हो, तो शुद्ध देसी घी, वो भैंस का हो या बकरी का हो या गाय का हो, कैसा भी हो, घी होना चाहिए ओरिजिनल। उस घी को लेकर के आप छाती में और रीढ़ में, यानी पीछे आगे मलेंगे, और थोड़ा सा कपड़े को थोड़ा गर्म करके वहां पर सिकाई कर देंगे। ऐसा करने से सर्दी का प्रकोप कम हो जाता है, और जो मैंने बताया कि ऐसे समय में कुकरौंधे को अगर छाती पर मला जाए तो बहुत ही आराम मिलता है और बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। जो छोटे बच्चों को सर्दी होती रहती है तो उनको कुकरौंधे का थोड़ा सा जो रस होता है 2-3 बूंद दे देना चाहिए। इसके अलावा जैसे किसी को डिसेंट्री, लेटरिन वगैरह होती है, लेटरिन ठीक नहीं हो रही है, तो हमने एक वीडियो दिया है, जरा इसको अजमाइए, आप दंग रह जाएंगे। वो वीडियो देखेंगे तो उसमें एक जड़ी बूटी है जो आदमी के दस्त को, पेचिस को, सबको नष्ट करती है, छोटी उसमें दूधी है, छोटी दूधी, उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर पैसा आपके पास नहीं है तो छोटी दूधी के प्रयोग से इसको ठीक कर सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से आप शरीर में होने वाले इन रोगों की चिकित्सा कर सकते हैं। अच्छा, सर्दी में लोगों की टांगे भी दर्द करती हैं, कमर भी दर्द करता है, गांठे भी दर्द करती हैं, ऐसे लोगों को जिनको गठिया इत्यादि की शिकायत है, तो उनके लिए मैंने बताया था कि धतूरे को तेल में जला लें, पंचांग को। वह सिद्ध तेल, धतूरे का सिद्ध तेल होगा, वह तेल आप शरीर में दर्द वाले स्थानों पर लगा सकते हैं, जिससे कि रक्त संचार बढ़ेगा और आपका दर्द, वहां का सूजन और दर्द में आराम मिलेगा।
इसके अलावा हम बताया करते हैं कि महानारायण तेल और विषगर्भ तेल का प्रयोग करना चाहिए दर्द वाले स्थानों में, वो भी कर सकते हैं। और ज्यादातर विशेष जो बूढ़े लोग हैं और जिनको ये शिकायत ज्यादा है, दवा से दर्द नहीं जाता, कोई तेल उन पर काम नहीं करता, तो उनके लिए एक उपाय बताता हूं। बाजार में आपको एक तेल मिलेगा, वो तेल सब दुकानों में नहीं मिलता है, कहीं कहीं मिल सकता है। पंसारी की दुकान में पूछे कि जो एक ट्रांसफार्मर से निकला हुआ तेल होता है, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर से निकला हुआ जो तेल होता है, उसकी मालिश करने से भी आपका दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन इसलिए लगाया कि अगर ट्रांसफार्मर के तेल से आपका दर्द ठीक हो गया, आपने उसका एक बार प्रयोग कर लिया, तो फिर हमेशा वो उसी तेल से वो दर्द ठीक होगा, दूसरी दवाइयां उस पर काम नहीं करेंगी। इसलिए मैं बताता हूं कि ज्यादातर इसका प्रयोग ना करके जो प्रचलन में है दवाइयां उनका प्रयोग करें। इसके अलावा सर्दी से जो बचाने की इम्यूनिटी देने वाला एक है, तो वो आंवले का स्वरस है या आंवले का चूर्ण है, उसको भी लेते रहने से, क्योंकि उसमें विटामिन सी का समावेश होता है, तो विटामिन सी आपको सर्दी जुखाम से बचाती है। इसलिए जाड़े के दिनों में विटामिन सी का प्रयोग तो डेली करना चाहिए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि आंवला बड़ा ठंडा होता है, उसको खाने से सर्दी जुखाम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप आंवले को चूर्ण को ले सकते हैं। अब अपथ्य करेंगे तो जरूर ये हो सकता है, अपथ्य नहीं, लेकिन आंवले का चूर्ण से आपकी सर्दी जुखाम की समस्या कम होगी, क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है। और ये बात डॉक्टर्स जानते हैं कि वो सर्दी जुखाम से बचने के लिए सीलिन नाम की टेबलेट का प्रयोग करते हैं, 500 mg की टेबलेट आती है विटामिन सी की, वो सर्दी जुखाम से बचने के लिए ही दी जाती है। मित्रों, जहां तक मेरा सवाल है कि मैं आपको वो चीजें बताता हूं जिसमें कम खर्च हो, विशेष परिस्थितियों में मैं दवा जो यहां से भेजता हूं, स्पेशल रस इत्यादि की रस है, भस्म है, उसमें पैसा लगता है, बाकी ऐसी दवाइयों को मैं बता देता हूं जिससे आपका कष्ट दूर हो और आप ठीक हो जाएं। इसी क्रम में ये बताना चाहूंगा कि आप भाई सर्दी जुखाम से बचने के लिए च्यवनप्राश का भी सेवन कर सकते हैं आराम से। मैंने अभी गोली बताई आपको कि जेरी फोर्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, इस प्रकार से आप करिएगा। थोड़ा मेथी वगैरह है, मेथी की सिकाई अगर छाती पे की जाए तो निमोनिया तक में बड़ा आराम मिलता है, हालांकि उसमें कुछ एंटीबायोटिक दवा भी लेनी पड़ सकती है। तो जो लोग एलोपैथ की दवा ले रहे हो, डॉक्टर ने दवा दी हो, इसके बावजूद वो इन घरेलू प्रयोगों को करके, दवा को बंद ना करके घरेलू प्रयोगों का भी साथ में समावेश कर लें, तो ज्यादा जल्दी आराम हो जाता है। और इन जाड़ों के दिनों में तो आपको गर्म पानी में थोड़ा नमक मिला करके गर्म पानी के गरारे करने चाहिए और नित्य प्रति आपको पानी पीना भी चाहिए। तो मित्रों, ये जो आप लोगों ने प्रयोग कर लिए तो शरीर स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, जाड़े से बचेगा। और मित्रों, शरीर पर अगर मैल, चमड़ी में मैल रहता है तो त्वचा फटती है, इसलिए चमड़ी पर मैल मत रहने दीजिए। नहाने के बाद में आप शरीर को रोएदार तौलिए से रगड़ते हैं तो मृत त्वचा निकल जाती है और शरीर में जो नई त्वचा आ जाती है। फिर इसके बाद में जाड़े में तेल जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि तेल के लगाने से सर्दी भी कम लगती है और त्वचा भी कम फटती है, बल्कि फटना बंद हो जाती है। इसलिए आप लोगों को, सभी लोगों को ऐसा करना चाहिए। मित्रों, जब ये वीडियो पढ़ रहा होगा तो उस समय थोड़ी देर बाद ग्रहण शुरू हो जाएगा, चंद्र ग्रहण सुबह 8 बजे से और 11 बजे तक। तो जो लोग किसी विशेष मंत्रों का प्रयोग करना चाहें, मंत्र सिद्ध करना चाहें, तो मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं ग्रहण काल में। इस अवसर को न चूकें, क्योंकि ग्रहण रोज नहीं पड़ते हैं। आशा है मित्रों कि
मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इस बात को समझ करके अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। अब चूंकि बिजली चली गई थी तो ये ब्लाइंड स्क्रीन का वीडियो बना है कुछ, उसके लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं वीडियो रोक नहीं सकता था और आगे भी जब ऐसा कभी होगा कोशिश होगी कि ऐसा नहीं होगा। मैं मंदिर में आया था और अभी मंदिर में ही हूं और मंदिर में ही वीडियो बनाया है मैंने। अब वीडियो खत्म करता हूं। आशा है कि ये वीडियो आपको जानकारियां तो दे ही रहा है, इसकी स्क्रीन पर कुछ न दिखने का आप शोक नहीं मनाएंगे और इस वीडियो को पूर्ण मानेंगे और अपने जीवन को सुखी और संपन्न सफल बनाएंगे।